हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र राजावत और आज हम देखने वाले हैं नवोदय बैच के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। लेक्चर नंबर 3 भी हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स ही था, जिसके अंदर हमने दो प्रॉपर्टीज कवर कर ली थी, एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी और एक कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट दो प्रॉपर्टीज है जिनका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक शुरू के 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो इससे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग लेक्चर नंबर 4 को देखने से पहले शुरू के 3 लेक्चर्स को जरूर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद में हम क्या करेंगे सभी नंबर्स के लिए प्रॉपर्टीज को वेरीफाई कर करके देखेंगे कि किसके लिए वैलिड होगी किसके लिए वैलिड नहीं होगी। तो देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है इट स्टेट्स दैट द रिजल्ट रिमेन द सेम, जो हमारा आंसर होगा वो सेम रहेगा अगर रिगार्डलेस ऑफ हाउ द नंबर्स आर ग्रुप्ड। अब इसका क्या मतलब है, लैंग्वेज इंग्लिश में लिखी हुई है तो थोड़ा अटपटी सी है, इसको समझो। देखो, ऐसे हमारे पास 3 नंबर्स लिखे हुए ए बी सी, कुछ भी हो सकते हैं ए बी सी, इसको हमें सोल्व करना है। तो तुम्हारे पास कई तरीके, या तो पहले ए और बी को सोल्व कर लो फिर उसमें सी को ऐड कर लो, या फिर पहले बी और सी को, जैसे यहाँ पे पहले मैंने बी और सी को ऐड किया फिर जो रिजल्ट आएगा उसको क्या किया ए में ऐड किया, या पहले ए और बी को ऐड कर लो, मतलब किसी भी तरीके से ग्रुप बना बना के आप लोग अगर ऐड करो और रिजल्ट अगर हमेशा सेम आता है तो हम बोल देंगे कि यहाँ उस वाले केस में क्या होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके लिए वैलिड होगी। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मल्टीप्लाई वाले केस में भी है, जैसे ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी दे रखा है तो पहले मैंने बी सी को मल्टीप्लाई कर लिया फिर उसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसको सी से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट अगर सेम रह रहा है तो हम बोलेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे वैलिड होगी। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी और हम आसानी से इस चीज़ को अच्छे से समझ में आ जाए इसके लिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं और सभी नंबर्स के लिए कर करके देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने केवल नेचुरल होल नंबर्स लिखे हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग क्या करेंगे इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स के लिए भी ये सारी चीज़ें करके देखने वाले हैं। तो देखो, नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स के लिए हम एडिशन वाले केस में करके देखते हैं। देखो, जैसे 5 + 4 + 3 दे रखा है, यहाँ पे दो तरीके से लिख दिया मैंने इसको, तो एक में मैंने पहले इन दोनों को किया तो 5 + 4 + 3 कितना हुआ 7 और 5 + 7 कितना हो गया 12। एक में मैंने पहले इन दोनों को किया तो 5 + 4 कितना हुआ 9 + 3, ये भी कितना आ रहा है 12। तो हम बोलेंगे कि नेचुरल नंबर के केस में एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड होती है। सब्ट्रैक्शन वाले केस को समझने से पहले मल्टीप्लाई को समझ लेते हैं। 5 × 4 × 3 कर दिया तो पहले, और एक और जगह पे लिख देता हूँ 5 × 4 × 3। तो देखो, पहले यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 5 × 4 = 12 और 12 × 5 = 60, और यहाँ पहले इन दोनों को कर लो तो 5 × 4 = 20 × 3, तो कितना आएगा 60। आई होप ये चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई होगी, दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन वाले केस में भी क्या होगा ये वैलिड होगी। जैसे नेचुरल नंबर्स के लिए एक पढ़ा है वैसे ही आप लोग होल नंबर के लिए भी करके देखना। होल नंबर में बस होता क्या है, 0 कहीं पे इंक्लूड कर सकते हो, तो होल नंबर के लिए भी एडिशन वाले केस में ये वैलिड होगी और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होल नंबर वाले केस में वैलिड होगी, एडिशन के लिए भी होगी और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होगी। अब सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए भी करके देख लेते हैं। तो देखो, 5 − 4 − 3 किया तो जैसे यहाँ क्या करेंगे, अगर ऑपरेशन परफॉर्म करें तो जैसे इन दोनों को पहले किया तो कितना आया 5 − 4 = 1 − 3 विच इज इक्वल टू −2। अब अगर हम लोग क्या करें 5 − 4 − 3, तो अब देखो हम यहाँ इसको ऐसे नहीं कर सकते, इसका कारण क्या है आप चाहो तो देखो करके देखो, 4 − 3 करो कितना आएगा 1 आएगा, 5 − 1 किया तो 4, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी सब्ट्रैक्शन वाले केस में ये वैलिड नहीं होगी। जब सब्ट्रैक्शन में नहीं हो रही तो होल नंबर में भी नहीं होगी, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, बस 0 का एक अंतर है। ठीक है, डिवीजन वाले केस में करके देखें, 10 / 5 / 2, तो पहले इन दोनों को डिवाइड करके देखा तो कितना आया 2 times divide हुआ, फिर 2 को फिर से 2 से डिवाइड किया कितना आया 1 आया, फिर अगर हम यहां करके देखें तो 5 के अंदर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा,
और 2.5 को है 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, मतलब एक्चुअल में 2.5 क्या है, फोर्थ पार्ट ही तो है। 2.5 2.5 2.5 2.5 चार बार ऐड करोगे तो 10 बन जाएगा, यानी चार आंसर आएगा। तो क्या यहाँ 1 और 4 बराबर है? नहीं है, तो यहाँ ये वैलिड नहीं है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ भी वैलिड नहीं होगी। आई होप आप लोगों को नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के लिए प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग क्या करते हैं, इंटीजर्स के लिए और रेशनल नंबर्स के लिए भी वैलिड है या नहीं है ये चेक करके देख लेते हैं, उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नोट कर लीजिए इसके। अब हम देखते हैं कि इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स के लिए क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड होती है या नहीं होती, किस केस में होगी, एडिशन में होगी या मल्टीप्लीकेशन में होगी, वो हम एक एक करके देखते हैं। तो देखो एडिशन वाले केस में देखते हैं पहले कि हमारे को क्या करना है, जैसे 5 + 2 + -1 ये तीन ले लिए हमने, ठीक है, इनको और दो तरीके से अरेंज कर लेता हूँ। एक में पहले इन दोनों को परफॉर्म करेंगे, फिर ये करना है हमारे को, और उसके बाद में एक में पहले इन दोनों को परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट बना देता हूँ क्योंकि स्मॉल मैंने यूज कर लिया है। तो देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 + 2 किया 7 + -1, ये प्लस माइनस बीच में मल्टीप्लाई है इसलिए -1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 6। यहाँ क्या होगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 2 - 1 बचा अंदर, 5 - अब यहाँ पे 2 - 1 करोगे तो कितना होगा, 1 होगा, और 1 में 1 ऐड करोगे तो 6 आ रहा है, दोनों में सेम आ रहा है, मतलब हम बोल देंगे कि इंटीजर्स के लिए एडिशन वाले केस में भी ये वैलिड होती है। मल्टीप्लीकेशन के लिए भी करके देख लेते हैं, जैसे 5 × 2 - -1, ठीक है, तो इन दोनों को पहले कर लो, तो ये क्या आएगा, 10 × -1 करोगे तो कितना आया, -10। फिर ऐसे ही 5 × 2 - -1, पहले इन दोनों को कर लो तो यहाँ कितना आएगा, 5 × 2 - 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -2 - 2 और एक प्लस का एक माइनस का, इसलिए -2 आएगा। अब 5 × 2 = 10 होगा, एक प्लस का एक माइनस का, इसलिए -10, दोनों सेम आ रहे हैं, यानी मल्टीप्लीकेशन के लिए भी ये वैलिड होगी। सिमिलरली आप जब रेशनल नंबर्स के लिए भी करके देखोगे तो ये वैलिड होगी, करके देख लेते हैं हम। 1/2 + 3/4 + 2/3, ठीक है, तो पहले हम लोग इन दोनों को करके देखते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ऐड करने पे एलसीएम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, इसका इसमें डिवाइड करेंगे कितने टाइम होगा, 2 टाइम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, प्लस इसका इसमें डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 2/3, यानी यहाँ कितना हो गया, 5/4 + 2/3। अब हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि अगर लगातार दो नंबर्स होते हैं तो वो कोप्राइम होते हैं, कोप्राइम नंबर्स का डायरेक्ट एलसीएम लिया जा सकता है दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, 12 आया, इन दोनों को इसको इससे डिवाइड करेंगे 3 टाइम होगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आएगा, प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे 4 टाइम होगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो 23/12 आया है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि सब्ट्रैक्शन हमें ज़्यादा वो नहीं करना, तो मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, बाकी के पार्ट को। अब इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं, 1/2 + 3/4 + 2/3, जब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, इसका इसके अंदर डिवाइड करेंगे तो 3 बार होगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा, इसको इसमें डिवाइड करोगे 4 टाइम होगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा, जब दोनों का एलसीएम लेने के बाद में जब आगे वो ऐड करोगे ऊपर तो 17/12 हो जाएगा, जब आगे फिर से लोगे तो एलसीएम कितना आ रहा है इन दोनों का, 12 एलसीएम आएगा, उसके बाद में इसका इसमें डिवाइड करोगे 6 टाइम, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6, प्लस इसका इसमें डिवाइड करोगे 1 टाइम, 1 को 17 से मल्टीप्लाई किया 17, जब ऐड करोगे तो कितना आ रहा है, 23/12, क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो हम बोल देंगे कि रेशनल नंबर्स के लिए एडिशन वाले केस में भी ये वैलिड होगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मल्टीप्लीकेशन के लिए करके देखते हैं, तो जैसे इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, 1/2 × 3/4 × 2/3, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा, 3/8 × 2/3, अब आगे सोल्व करें तो 3 से 3 डिवाइड हो गया, इससे ये डिवाइड हो गया, यानी 1/4 क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर आया। अब उससे करके देखें, 1/2 × 3/4 × 2/3, पहले इन दोनों को करके देख लेते हैं, तो देखो 3 से 3 तो डिवाइड हो गया, 2 1 = 2, 2 2 =
फोर, यानी इधर कितना आया 1/2 और इधर भी क्या बचा 1 और 2, 1/2, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है 1/4, इधर भी 1/4, इधर भी 1/4, यानी ये भी यहाँ वैलिड होगा। आप खुद ट्राई करना, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए वैलिड होगा क्या? सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवीजन के लिए दोनों ही केस में, इंटीजर के केस में और रेशनल नंबर वाले केस में, ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होती है। जैसे हमने होल नंबर्स का किया था ना, वैसे ही क्या होगा यहाँ भी होगा। आप खुद एक एक एग्जांपल सोच के करना, जिससे कि आपको खुद को भी समझ में आएगा कि हम लोगों ने क्या सीखा है, उसको कैसे अप्लाई करना है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम लोग क्या होगा, हमारा नेक्स्ट लेक्चर, सॉरी इसी लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं और उसके बाद में देखते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत ध्यान से समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यहाँ से क्वेश्चंस मैक्सिमम बनाए जाते हैं। तो देखो प्रॉपर्टी क्या है वो समझो। जैसे यहाँ क्या है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए प्लस बी और बाहर उसके उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली यहाँ क्या लिखा हुआ है, बी माइनस सी, इसको हमारे को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। यानी ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए मल्टीप्लाई बी, और बीच में प्लस है तो प्लस आ गया, फिर ए को सी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मल्टीप्लाई सी। यहाँ मैं अभी प्रूफ भी बताऊँगा कि ये सही भी है या गलत है या ऐसे ही लिख दिया किसी ने। फिर ऐसे ही यहाँ ये ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, ए मल्टीप्लाई बी, फिर बीच में माइनस है तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए मल्टीप्लाई सी। ध्यान रखना यहाँ पे ए बी सी कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है। अब हम अलग अलग केसेस के लिए नहीं पढ़ रहे, केवल रेशनल नंबर के लिए पढ़ रहे हैं। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम रेशनल नंबर के लिए पढ़ते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हम इंटीजर्स भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि सारे के सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर ही तो होते हैं। होल नंबर्स के लिए भी होते हैं और इसी तरीके से हम लोग नेचुरल नंबर्स के लिए भी पढ़ सकते हैं। तो हम लोग केवल यहाँ पे रेशनल नंबर्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स को इसमें कवर कर लिया है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिविटी दो तरीके की होती है। एक तो होती है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसका क्या मतलब हुआ, यानी ये वाली है ना, तो ये मल्टीप्लीकेशन अवर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन अवर सब्ट्रैक्शन। तो देखो यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ये तो है मल्टीप्लीकेशन अवर एडिशन टाइप की डिस्ट्रीब्यूटिविटी, और ये क्या है मल्टीप्लीकेशन अवर सब्ट्रैक्शन टाइप की डिस्ट्रीब्यूटिविटी। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये क्या होगा, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आएगा, प्लस ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी आएगा। फिर यहाँ देखो ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आएगा, बीच में माइनस है तो माइनस, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी आएगा। इनको हमेशा ब्रैकेट में लिखना, क्योंकि अगर इसका रिजल्ट माइनस का आता है तो हमें इस माइनस से फिर उसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एक टॉपिक है जिसको मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों के लिए। एक काम करते हैं, अभी तक हमने ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी सीखी है, इसको हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उसके बाद में कि जो हम ये लिख रहे हैं उसका प्रूफ देखते हैं, और फिर लास्ट में ये देखेंगे, और फिर 3-4 क्वेश्चन हम नेक्स्ट स्लाइड पर सोल्व करेंगे। तो देखो फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी, तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कौन से टाइप की डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी लगेगी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन टाइप या मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन टाइप। तो यहाँ आप बीच में देख पा रहे होंगे माइनस है, तो यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन टाइप की डिस्ट्रीब्यूटिविटी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखो पहले क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी 1/5 मल्टीप्लाई माइनस 3/4, बीच में माइनस है तो माइनस आ गया, 1/5 मल्टीप्लाई 2/3, ये ध्यान रखना, ये माइनस है, ये वाला माइनस तो इसका है, ये ओनली 2/3 प्लस का ही था, ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों को अलग से सोल्व करना है, इन दोनों को अलग से, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उनको आपस में ऐड कर लेंगे। तो देखो ये कुछ ऊपर नीचे डिवाइड नहीं हो रहा, तो माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3, 5 4 जा 20, फिर यहाँ पे 1 को 2 से करेंगे तो ये देखो माइनस ऐसे कैसे माइनस आ गया, 1 को 2 से किया 2, 5 3 जा 15। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ क्या होगा, दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आप जब लोगे तो कितना आएगा 60 आएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे, 3 टाइम डिवाइड होगा, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का
9। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे, 4 टाइम डिवाइड होगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, जो फाइनल रिजल्ट आया -17/60। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हम एक तरीके से और कर सकते थे विदाउट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी, पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेते और ब्रैकेट का जो रिजल्ट आता उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते तो भी रिजल्ट क्या आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं उससे भी करके देखते हैं, जिससे हमें ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा कि हमने जो पढ़ा है वो बिल्कुल सही पढ़ा है। तो देखो हम लोग पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, इधर कर रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में क्या है 4 और 3, इनका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 12 आएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे 3 टाइम होगा, 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 9, फिर क्या है माइनस बीच में तो माइनस बीच में आएगा, 3 को 12 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम होगा 4 टाइम होगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया। ब्रैकेट के अंदर -9 और -8, माइनस माइनस आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई होते तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते, लेकिन यहाँ पे सिंपल ऐड कर रहे हैं, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाता है, मतलब ऐड हो जाता है और साइन किसका रहेगा माइनस का ही। तो अंदर क्या हो गया, यानी कि इसको यहाँ लिखे आगे 1/5 मल्टीप्लाई -17/12। अब यहाँ पे -17 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -17 आएगा और 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। तो देखो ये और ये जो रिजल्ट आ रहा है दोनों के दोनों रिजल्ट सेम है, यानी हम बोल सकते हैं कि जो ये डिस्ट्रीब्यूटिव वाला जो लो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी वाला, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये एक स्लैंग है जो कि टंग ट्विस्टर है, जो बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है हमारे को, आप लोगों को तो समझ में आना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। अब देखो इस चीज़ को हम प्रूफ करके देखते हैं, यहाँ पे मैंने प्रूफ लिखा है, इसका प्रूफ कैसे करें समझो। देखो हम इस वाले पार्ट को पिक करते हैं, देखो ए मल्टीप्लाई बी, मैंने क्या बनाया एक रेक्टेंगल बनाया है, रेक्टेंगल का क्या होता है एरिया कैसे निकाला जाता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। तो मैंने उसकी लेंथ तो कितनी ले ली है ए और विड्थ कितनी ले ली है बी, ये इसका रेक्टेंगल का एरिया, ये कितना आएगा ए मल्टीप्लाई बाई बी। फिर मैंने एक ये वाला दूसरा वाला पार्ट लिया, तो इसकी ये वाली जो वह है विड्थ, ये वाली लेंथ मैंने कितनी ले ली है ए, और ये जो विड्थ है ये, या इसको लेंथ बोल दो इसको विड्थ बोल दो, ये ए लिया इसको सी लिया, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा ए मल्टीप्लाई सी। जब दोनों को कंबाइंड कर दिया गया यहाँ पे, तो दोनों का मिला के एरिया कितना आएगा ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। आई होप आप लोगों को ये रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट वाला चीज़ समझ में आ गई होगी, भाई इसका एरिया कैसे निकालेंगे ए मल्टीप्लाई बी, इसका क्या होगा ए मल्टीप्लाई बी सी, यानी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ और लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ये दोनों का करके हमने ऐड कर दिया तो इस पूरे का एरिया मिल गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी को एक नए तरीके से अरेंज कर रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना। इसको मैंने उठाया है और इसको उठा के इसको ऐसे रख दिया, ये ऐसे कैसे है, देखो अभी हमारा ये ए है ये सी, ऐसे कैसे, मैंने इसको उठाया और इसको उठा के कैसे रख दिया, ऐसे रख दिया, बाकी कुछ नहीं किया। तो जब ये ए है वो ए कहाँ आ जाएगा यहाँ, ये भी ए है यानी कि ये पूरा इक्वल हो जाएगा, ये जो बी था भाई ये भी बी है तो ये भी बी है, तो ये बी कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। अब ये फिर से एक देखो पूरा एक रेक्टेंगल बन गया, इस पूरे रेक्टेंगल में ये विड्थ का काम कर रही है या लेंथ मान लो ए, और ये पूरा बी प्लस सी, ये कितना हो गया ये वाली लेंथ कितनी हो गई बी प्लस सी। तो हम बोल सकते हैं कि अब इसका एरिया निकालेंगे तो लेंथ कितनी है बी प्लस सी, विड्थ कितनी है ए, तो यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो इसका एरिया कितना निकल के आएगा ये। अब मुझे बताओ कि भाई हमने इसको ऐसे ही तो अरेंज किया था, यानी इस टुकड़े को सीधा किया सिर्फ, इन दोनों का मिला के एरिया और इसका एरिया दोनों सेम ही तो आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस बी सॉरी ए मल्टीप्लाई बी प्लस बी मल्टीप्लाई सी किसके बराबर होगा ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो और इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, अच्छे से सोचने की कोशिश कीजिए, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो हमने ये जो चीज़ दी हुई थी ये उसको वेरीफाई भी करके देख लिया, यानी कि ये बिल्कुल सही है। तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि प्रूफ पता ही हो, नहीं भी पता होगा तो भी चलेगा, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी वाला लॉ कैसे काम करता है। तो अब हमारे को क्या देखना था कि हम बोल सकते हैं कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं जेड या आई बोल सकते हो, और होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं मल्टीप्लिकेशन
मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन आवर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आवर सब्ट्रैक्शन, इस वाले केस के लिए डिस्ट्रीब्यूटिविटी वाले प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। आई होप ये चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई होगी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये भी देख लो, कई बार कन्फ्यूजन होता है, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि इस टाइप की कोई चीज़ लिखी हुई है, जैसे इस वाले फ्रैक्शन को या इस वाले रेशनल नंबर को इस वाले रेशनल नंबर से डिवाइड करना है, तो वो क्या करते हैं, रट लेते हैं कि भाई बी ऊपर चला जाएगा, सी नीचे आएगा, कैसे होता है वो समझ लो, तो आप लोगों को कभी गलती नहीं होगी। तो देखो ए बाई बी है, इसका मतलब क्या है, डिवाइड, और सी बाई डी, तो यहाँ मैंने सी बाई डी लिख दिया। अब इसको सोल्व कैसे किया जाता है, ए बाई बी डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे, अगले वाले का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो देखो डी ऊपर गया सी नीचे आ गया। तो अगर आप इस प्रॉपर प्रोसीजर से करोगे तो कभी गलती नहीं होगी, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा कि कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा इसका। चलो यहाँ तो आप फिर भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ दोनों में देखो कन्फ्यूजन होगा, ये दिखने में सेम लग रहा है, ए बी सी दिख रहा होगा, ए बी सी, लेकिन ये क्या है, ए बाई बी को डिवाइड करना सी से और यहाँ ए को डिवाइड करना बी बाई सी से। अब कन्फ्यूजन होगा कि कौन से में सी ऊपर जाएगा कौन से में नीचे, तो देखो इसका मतलब क्या है, ए बाई बी इस बड़े वाले मतलब अपोन का मतलब है डिवाइड सी। अब सी के नीचे क्या लगा लो, वन, तो ये क्या हो गया, ए बाई बी डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे वन अपॉन सी, तो देखो यहाँ तो सी क्या आया, नीचे आया, यहाँ क्या होगा, ए इसको डिवाइड करना है किससे, बी बाई सी से, यानी कि a मल्टीप्लाई इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो c बाई बी, तो यहाँ देखो b क्या आ गया, नीचे आ गया, वो c ऊपर चला गया। तो मतलब कभी भी जगह अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई केस बने तो पहले उसको ऐसे कन्वर्ट करना है, उसके बाद में उसको ऐसे सोल्व करना है, कभी भी डायरेक्ट नहीं अप्लाई करना कि c ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कन्फ्यूजन होने की वजह से आप लोग क्या कर सकते हो, अपना क्वेश्चन गलत कर सकते हो। तो ये चीज़ भी आप लोगों के समझ में आ गई होगी, इसे आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग तीन चार क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब हम अभी तक हमने जो चार प्रॉपर्टीज पढ़ी है उनके ऊपर दो तीन क्वेश्चंस भी करके देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस देखेंगे उसमें और अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, होल नंबर यानी W आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अब हमने जब रूल पढ़े थे तो हमने देखा था कि सब्ट्रैक्शन के अंडर में क्या क्लोज्ड होता है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर में से सब्ट्रैक्ट करें तो अगर रिजल्ट भी क्या आ रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता था कि रिजल्ट भी अगर बिलोंग करता हो होल नंबर से तो हम बोलेंगे कि ये वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमें पूछा है कि क्या ये क्लोज्ड है, ट्रू या फॉल्स, हमें बताना है ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। तो देखो 5-4 करो तो कितना आया, 1, तो ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, आप लोगों को लग रहा होगा कि क्लोज्ड है, लेकिन हमेशा होना चाहिए। तो 4-6 करो तो आ रहा है -2, तो क्या -2 होल नंबर होता है, नहीं होता है, तो हम बोलेंगे कि होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी उसने ये बोला है कि है वो एक गलत स्टेटमेंट है, तो मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई अगर दो ऑपरेंड्स होते हैं उनका रिजल्ट भी जिस ग्रुप से ऑपरेंड बिलोंग करते हैं उसी से वो बिलोंग करता है तो हम बोलेंगे कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड होगी। अब अगला है कि भाई इसको सोल्व करने पे और इसको सोल्व करने पे दोनों बराबर आएंगे क्या, ट्रू और फॉल्स, उसने बोला ये बराबर है, क्या ये सही है या गलत है, तो हम क्या करते हैं भाई इसको अलग सोल्व करके देख लेते हैं, इसको अलग सोल्व करके देख लेते हैं, अगर दोनों का रिजल्ट सेम मिलता है तो हम बोल देंगे कि ये दोनों बराबर है, अदरवाइज नहीं है, मतलब ये ट्रू है अदरवाइज फॉल्स है। तो देखो पहले इसको सोल्व करते हैं, तो पहले ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं, इधर ब्रैकेट के अंदर 10 क्या आएगा, एलसीएम आएगा, 5 2 10, 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, इसका इसमें डिवाइड करेंगे कितने टाइम होगा, 5 टाइम, ठीक है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 आएगा, कितना आया -2/3, और ये देखो -8 होके -13 हो गया, और माइनस का 13 इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस का 13 हो गया, मतलब कितना हो गया, ये पूरा सोल्व करने पे प्लस का 13/10 आ गया। फिर आगे सोल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, फिर इसका इसमें डिवीजन करोगे तो कितने टाइम होगा, 10 टाइम, 10 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे -20, प्लस इसका इसमें डिवाइड करोगे 3 टाइम, 3 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 39 आएगा, दोनों को ऐड करो, 39 में से -20 किया तो 90/30, यानी इसका रिजल्ट तो ये निकल के आ रहा है, इसका क्या आता है वो भी चेक कर लेते हैं। तो देखो
सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो माइनस थ्री अपॉन टू अपॉन थ्री, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का फोर अपॉन फाइव, और फिर माइनस वन अपॉन टू। अब अंदर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। इसका इसमें डिवाइड करोगे कितने टाइम होगा, 5 टाइम होगा। 5 को माइनस टू से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 10, प्लस इसका इसमें डिवाइड करोगे कितने टाइम होगा, 3 टाइम होगा। और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, और माइनस वन अपॉन टू। तो यहाँ कितना आ रहा है, प्लस का 2 अपॉन 15 माइनस वन अपॉन टू। आई होप ये चीज़ आप लोगों के समझ में आ रही होगी। फिर यहाँ करें तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा, 15 और 2 का एलसीएम। तो इसको इसमें डिवाइड करेंगे 2 टाइम होगा, 2 को 4 से 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आएगा। इसका इसमें डिवाइड करेंगे 15 टाइम होगा, माइनस किया तो कितना आया, 15 आया, यानी माइनस 11 अपॉन 13। 15 में से 4 गया तो 11 आया, और माइनस का बड़ा था इसलिए माइनस का आया। क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम बोलेंगे ये जो इसने दोनों को बराबर बोला है ना, ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, कि यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। मतलब हमारे को क्या करना है कि खुद प्रॉपर्टी सोचनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, उसकी हेल्प से फिर इसको सॉल्व करना है। तो देखो प्रॉपर्टी कैसे सोचोगे, भाई हमारी दो मेजर प्रॉपर्टी थी, कोमोटेटिव क्लोजर प्रॉपर्टी तो केवल ये बताती थी कि ये मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी ये बताती थी कि सेम ग्रुप से बिलोंग करता है नहीं करता। तो यहाँ पे सब रेशनल नंबर है, क्लोजर प्रॉपर्टी तो क्या होती थी, रेशनल नंबर में सब में वैलिड होती थी, ये हमने देखा था। उसके बाद में यहाँ क्या है, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता था, रिवर्स ऑर्डर देखते थे, ए प्लस बी और बी प्लस ए, या ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई ये दोनों बराबर होना चाहिए। ऐसा कहीं दिखे आप लोगों को तो वो ये यूज करनी है। फिर हमने पढ़ी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था, तीन अगर नंबर्स हैं उसमें दो दो के कोई ग्रुप बनाओ, उनको सोल्व करके देखो, तो अगर ऐसा कुछ दिखे तो वो यहाँ पे अप्लाई करना है। साथ में क्या करना है, और लास्ट में अगर डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टी अगर अप्लाई हो रही है तो उसको कैसे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। तो देखो हम सोचते हैं इन दोनों में, देखो क्लोजर से कोई मतलब नहीं है अभी के लिए हमारे को, कॉमोटेटिव एसोसिएटिविटी वाली प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो यहाँ ए मल्टीप्लाई बी, बी मल्टीप्लाई ए जैसा कुछ नहीं दिख रहा, इन दोनों में भी नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ पे कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी का इतना काम नहीं है। फिर हम देखते हैं एसोसिएटिविटी वाला है क्या, तो देखो ये तीन तीन का मल्टीप्लाई तो है ही नहीं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों को देखो, इन दोनों को आप ऐसे समझ सकते हो, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी कि हम ऐसे, और इसको मान लो कि इसको ए समझ लो थोड़े टाइम के लिए, इसको बी समझ लो, फिर यहाँ ये ए तो ये भी ए होगा, ये क्या होगा सी मान लो, ये अलग है तो, और इन दोनों का बीच में क्या लिखा हुआ है, एडिशन। तो देखो ये ए मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई सी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। अगर आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ रहा है तो ये एक्चुअल में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर एडिशन। आई होप आप लोगों को ये चीज़ दिख गई होगी कि भाई इन दोनों में क्या है, दोनों में एक कॉमन था, तो हम क्या करेंगे 2/5 को बाहर निकालेंगे, उसका यूज करना है ना, तो 2/5 कहाँ आ गया, बाहर आ गया। इधर क्या बचा, माइनस 3/7, फिर प्लस इधर क्या बचा, 1/14। अब बाकी का बचा हुआ पार्ट क्या है, माइनस 1/6 मल्टीप्लाई 3/2। अब आगे पहले इसको सोल्व करते हैं हम लोग, तो देखो मैं अब इसको मिटा देता हूँ, ये केवल या इसको थोड़ा सा शॉर्ट में आगे लिख देता हूँ, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। तो देखो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, ये वाला पार्ट तो मैं माइनस के बाद वाला ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, डैश लगा के अगले स्टेप में लिख देंगे जब जरूरत पड़ेगी। तो ये 2/5 ऐसे कैसे चलेगा, मल्टीप्लाई इन दोनों का एलसीएम लो, 7 और 14 का एलसीएम क्या आएगा, 14 आएगा। इसका इसमें डिवाइड करोगे कितने टाइम होगा, 2 टाइम डिवाइड होगा, 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 6 आएगा। इसका इसमें डिवाइड करोगे 1 टाइम होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा, यानी अंदर कितना आ गया हमारे पास, यहाँ 2/5 मल्टीप्लाई ये कितना हो गया, माइनस का 5/14, और माइनस ये बाकी का पार्ट क्या कितना था, 1/6 मल्टीप्लाई 3/2। अब यहाँ देखो 5 से 5 डिवाइड हो गया, 2 1 जा 2, 2 7 जा
14 और 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, तो फाइनल में कितना बचा भाई? ऊपर तो माइनस का 1 बचा, ये माइनस था ये 1 था, और नीचे कितना बचा 7, और यहाँ कितना बचा 1 वन जा 1, और नीचे कितना बचा 2 टू जा 4। फिर इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है 28 आएगा। इसका इसमें डिवाइड करो 4 टाइम, 4 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 4, इसका इसमें डिवाइड करो कितने टाइम होगा, 4 को इससे डिवाइड करो कितने टाइम होगा, 7 टाइम होगा, यानी कि माइनस का 7। जब ऐड करोगे तो कितना आएगा, माइनस 11/28। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसको ध्यान से देखना, रिवाइंड करके देखना वीडियो को, ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी लेक्चर्स के आपको नोटिफिकेशन पहले से मिल जाए। और तब तक के लिए थैंक यू।